IIHT खारघर आणि वाशी या संस्थेला 10 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्यानिमित्ताने खारघर सेक्टर 3 येथील SN पार्क येथे संस्थेच्या 10व्या वर्धापन दिनानिमित्त कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. हा वर्धापन दिन राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण आणि भाजपचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला. दरम्यान यावेळी IIHT या संस्थेचे ऑल इंडिया ऑफ इंटिग्रेटेड टेक्निकल स्टडीज हे नामकरण मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले. IIHT खारघर आणि वाशी या संस्थेने गेली 10 वर्षात येथील 10,000 हून अधिक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित केले आहे आणि 5,000 हून अधिक विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंट मिळवून दिले आहे. या संस्थेमध्ये प्रशिक्षणासह विद्यार्थ्यांना नोकरीची हमी देखील देण्यात येते. अशा या संस्थेने यशस्वी 10 वर्ष पूर्ण झाली असून 10वा वर्धापन दिनाचा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. या दिनाचे औचित्य साधून संस्थेचे हे ऑल इंडिया ऑफ इंटिग्रेटेड टेक्निकल स्टडीज अर्थात AIIITS हे नामकरण राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी त्यांनी या संस्थेच्या पुढील वाटचालीकरिता शुभेच्छा दिल्या. या कार्यक्रमाला पनवेल महानगरपालिकेचे माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर, माजी नगरसेवक हरेश केणी, शत्रुघ्न काकडे, नरेश ठाकूर, माजी नगरसेविका नेत्रा पाटील, भाजपचे शहर अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, समीर कदम, गीता चौधरी यांच्यासह खान्देश विकास फाउंडेशनचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि संस्थेचे सदस्य उपस्थित होते. मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक ऐसी इंस्टीट्यूट जो गए 10 साल से यहां पर काम कर रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का काम कर रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश एक अलग दिशा में 2014 के बाद जाने शुरुआत हुई है, ये सब लोग जानते हैं. हर उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये देश हमारा है और इस देश में जो भी कुछ अच्छा करना चाहिए उसके अंदर मेरा कुछ ना कुछ तो योगदान होना चाहिए, और उसलिए देश का हर उस व्यक्ति, छोटा से छोटा व्यक्ति, ऐसी कोशिश करता है कि मेरा इसके अंदर क्या योगदान है. और आज ये इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि इस देश की युवाओं के हाथ में बहुत ज़्यादा शक्ति है, स्किल और स्पीड, ये तीनों चीज़ें अगर हम युवा के हाथ में देंगे तो देश और देश की परिस्थिति बदलने में वक्त नहीं लगेगा. और आज ऐसी परिस्थिति आ गई है, 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने ये बात बताई और उस दिन से आज तक वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि हर उस व्यक्ति को डबलिंग उत्पन्न की तरफ कैसे ले जाए, हर उस व्यक्ति को उसकी जो आमदनी है आमदनी कैसे बढ़े, और उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से पूरे देश में चल रही है. हमारी जो बैंक क्या हुआ करती थी, बैंक्स हुआ करती थी, इंदिराजी के राज में उनका नेशनलाइजेशन हुआ, लेकिन उसका जो लाभ हुआ करता है वो उस हर व्यक्ति को होना चाहिए जो व्यक्ति इस देश में है. और इस देश के 130 करोड़ लोग जो हैं, 130 करोड़ लोगों को उसका कैसा लाभ होगा, इसके लिए कुछ अलग तरीके से इन बैंकों को नरेंद्र मोदी जी ने कुछ डायरेक्शन देने के लिए शुरू कर दिया. और इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में कोविड के वजह से सब जगह पर जो परिस्थितियाँ का सामना अलग अलग देशों ने किया, श्रीलंका, पाकिस्तान, जिस तरीके से पूरी के पूरे डेप्थ में चले गए, लेकिन अपना भारत देश जहाँ पर है उससे भी ज़्यादा उभर कर आया. इसका कारण ये है कि यहाँ की नरेंद्र मोदी जी की जो मानसिकता थी कि इस देश को महासत्ता बनाना, और इस प्रेरणा में यहाँ के सभी लोग, वहाँ का सर्वोरियाद आदमी और वो व्यक्ति काम कर रहा है. मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि
इंस्टीट्यूट जो है नए से आज प्रशांत जी हम सभी लोगों के सामने आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है। ये यहाँ के युवकों के लिए, उनके लिए उनका प्रशिक्षण तो देगी लेकिन उनको जॉब के लिए भी मदद करने वाली है। मैंने अभी उनकी एक फिल्म अंदर देखी, उन्होंने तय 10 सालों में 10,000 लोगों को रोजगार की संधि प्राप्त की है। ऐसी रोजगार की संधि प्राप्त करने वाली जो इंस्टीट्यूट होती है, ये लोग जिस तरीके से काम करते हैं, जितनी मेहनत लेते हैं, ये मेहनत और मेहनत के वजह से देश को महासत्ता बनाने के लिए जो चीज़ें आवश्यक है, युवकों के लिए जो चीज़ें आवश्यक है वो करने का काम करती है। मैं इस इंस्टीट्यूट के सभी प्रमुख लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनको आगे वाले उनके हर उस काम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मी सगळ्यात आधी आज या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं राजजी आपल्याला मनापासून शुभेच्छा देतो की आपल्या माध्यमातून या खारघर आणि परिसरामधल्या वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीचं शिक्षण आणि ज्याच्यामध्ये एम्प्लॉयमेंटला स्कोप आहे असं शिक्षण मिळणार आहे। आणि असं शिक्षण गेल्या 10 वर्षामध्ये जवळपास 10,000 विद्यार्थ्यांना तुम्ही मिळवून देत त्यांना नोकरीची संधीसुद्धा उपलब्ध करून दिली, त्याबद्दल मी तुमचं मनापासून अभिनंदन करतो। आज देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं मेक इन इंडिया स्किल इंडियाचं स्वप्न प्रचंड प्रमाणामध्ये पूर्ण होताना दिसतंय। 2014 साली ज्या वेळेला माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्याला मेक इन इंडिया सांगितलं, स्किल इंडिया सांगितलं, तेव्हा विरोधकांनी त्यांची खिल्ली उडवली। पण आज आपण पाहतोय की कोविडचा कालावधी आणि त्याच्यानंतरच्याही कालावधीमध्ये आपण खूप मोठ्या प्रमाणात झेप घेतली। आज सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांनी या रायगड जिल्ह्याचं पालकमंत्री म्हणून काम पाहिलंय आणि त्याचबरोबर मेडिकल एज्युकेशन मिनिस्टर म्हणून देखील त्यांनी मिनिस्टर ऑफ स्टेट म्हणून काम पाहिलेलं आहे। आणि त्यांच्या माध्यमातून या महाराष्ट्रभरामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीनं वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रामध्ये, वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीची अनेक पावलं उचलली गेलेली आहेत। आणि या सगळ्याच्या आधारे आपण शहरी भागात आहोत पण ग्रामीणातल्या ग्रामीण भागामधल्या सर्वसाधारण अशा प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये तिथे जो आदिवासी खेड्यापाड्यातला तिथला जो रुग्ण जाणार आहे तो रुग्ण कशा पद्धतीनं त्याचा तिथल्या तिथे तपासणी होऊ शकेल, मग तिथं जरी डॉक्टर उपलब्ध नसला पण एखादी अशी सिस्टीम की त्या सिस्टीमच्या आधारे ते आता त्याची पूर्णपणानं तपासणी करू शकतील आणि त्याच्या आधारे तज्ज्ञ डॉक्टरांचं मार्गदर्शन मिळू शकेल यासाठी चव्हाण साहेबांनी त्यावेळेला प्रयत्न केला। त्याच वेळेला अन्नधान्य पुरवठा या बाबतीमध्ये देखील त्या सर्व खात्याच्या माध्यमातून योग्य माणसाला रेशन धान्य मिळालं पाहिजे याच्यासाठी माननीय पंतप्रधानांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेमध्ये, देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेमध्ये पॉस मशीन की ज्याच्या आधारे बायोमेट्रिकच्या आधारेच योग्य माणसाला त्या ठिकाणी धान्य मिळालं पाहिजे याच्यासाठी साहेबांनी प्रयत्न केले। टेक्नॉलॉजीचा आधार घेत या देशामधल्या सर्वसामान्य माणसापर्यंत प्रत्येक सेवा पोहोचवण्यासाठी आणि भ्रष्टाचाराचं निर्मूलन उच्चाटन करण्यासाठी जो पुढाकार घेतला गेला रवींद्र चव्हाण साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या रायगड जिल्ह्यानं या सगळ्या पाऊल पुन्हा पाहिलेल्या आहेत आणि त्यामुळे आज त्यांच्या हस्ते या नव्या आपल्या इन्स्टिट्यूटचं उद्घाटन होतंय राजजी, त्याबद्दल मी खरंच पुन्हा एकदा तुमचं मनापासून अभिनंदन करतो।